व्हाइट बाल होंगे जड़ से काले, बालों का टूटना झड़ना, बालों का सफ़ेद होना होगा जड़ों से काला। दोस्तों मैं अक्सर इस नुस्खे का इस्तेमाल करते आया हूं और जिसकी वजह से मेरे सफ़ेद होते बाल कम ही उम्र में वापस काले होना शुरू हुए। इसको बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान होगा। घर में सिर्फ मात्र दो ही चीज़ें जो सबके घर में अवेलेबल होती हैं, बस उसी चीज़ का इस नुस्खे में इस्तेमाल होगा और रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त, इतने बेहतरीन होंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस नुस्खे के लिए हमें दो चीज़, बादाम और देसी घी का इस्तेमाल करना है। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे बालों को जड़ से नरिश करता है, साथ ही में बालों में शाइन लाता है। वहीं देसी घी की बात करें तो बालों का टूटना झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, मेलमिन पिगमेंट को बढ़ा देना, देसी घी ये सारे काम करता है। अक्सर दोस्तों हमारे बालों का सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी स्कैल्प में मेलनिन पिगमेंट का कम हो जाना, और देसी घी उस वापस पिगमेंट को रिजुनेट करके शरीर को, बालों को, स्किन को ऐसे तर कर देता है जिसकी वजह से हमारा मेलानिन पिगमेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए आपको बताता हूँ ये सारा कैसे होगा और क्या क्या इसके फायदे हैं और कैसे सही समय है इसको लगाने का। इस वीडियो के अंत में आपको एक विशेष बात भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जो आपकी बेहद ही बालों को सफ़ेद करने में मदद कर सकता है। दोस्तों मैं बताता हूँ इस नुस्खे का मैंने खुद के लिए कैसे इस्तेमाल किया। मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी लेके उसमें 6 से 8 बादामों को ऐड करा और उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से मैंने घुमाया। ध्यान रखें विशेष रूप से हमारा बादाम बिल्कुल भी सूखा ना हो और उसको अच्छे से देसी घी में चला लें। दोस्तों चलाने के बाद आपको इसको गैस के ऊपर रख के भूनना होगा। अभी आपको बताते हैं इसको कैसे भूनना होगा और कैसे इसको अप्लाई करना होगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा असरदार रहे। हमने गैस को ऑन कर लेना है और इस कटोरी में या फिर आप किसी भी और हांडी में इसको रख के ऐसे गर्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपका बादाम बिल्कुल भी सूखा ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं अब करना क्या है इसके साथ। दोस्तों ये जो बादाम है आपको इसको रोस्ट जब तक करना है जब तक कि इस बादाम का कलर ना चेंज हो जाए। ऐसे करने से क्या होगा, जो भी मिनरल्स और विटामिन जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं वो बादाम से इस देसी घी में आ सकेंगे, और जैसे ही ये देसी घी बादाम का सारा रस चूस लेगा, एकदम तर हो जाएगा इन बादामों की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बालों को जड़ों से वापस काले करने में मदद करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप ये बात को निश्चित कर लें कि आपके बादाम अच्छे से इसमें इनका कलर बदल जाए, पूरा प्रॉपरली अच्छे से तेल से छोड़ सकें। तो चलिए आप देख सकते हैं कैसे हमारे पूरे के पूरे बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको ओरिजिनल कलर में और जो हमने सेके थे बादाम, इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, बादाम को और तेल को अलग कर लेना है और आपको बताते हैं इस तेल को अप्लाई कैसे करना है। रोज़ रात को आपने अपने बालों की जड़ों में इस तेल को लगाना है, अगर आपका स्कैल्प ऑयली नहीं है तो। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो ये जो देसी घी है बादाम से न्यूट्रिएंट वाला भरपूर, ये हमारे बालों में डैंड्रफ तक भी ख़त्म करता है। मैं इसका सेवन हमेशा से करते आया हूँ और मेरे बाल बहुत ही अच्छे, घने, काले, लंबे, बहुत ही बढ़िया असर हुआ है। मेरे को महसूस ऐसा लग रहा था कि बहुत ही छोटी उम्र में मेरे बाल टूटने लगे हैं, लेकिन इस मिश्रण की वजह से मुझे बेहद ही ज़्यादा मदद मिली। ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस नुस्खे को लगाना चाहें कि नहीं, लेकिन मैंने जब जब इसे लगाया है मुझे बेहद ही ज़्यादा असर मिला है। मेरे को बाल टूटने से लेके सफ़ेद होने की दोनों समस्याओं से मुझे निजात मिला है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, बेहद ही मेहनत करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आशा करता हूँ ये ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और डिलीशियस फूड को फॉलो करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। साथ ही में दोस्तों इस ऑयल को उसी दिन अप्लाई कीजिए जिस दिन आपको नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना हो मॉर्निंग में। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। आज हम बनाएंगे इस मौसम की एकदम ताज़ी मिर्चियों की रानी, लाल मिर्ची की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसे आप एक बार रोटी के साथ खाएंगे तो आप कहेंगे भाई वाह, कुछ नया स्वाद हमारी रोटी में आ गया है। तो चलिए बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। आपको सबसे पहले साबुत बड़ी लाल मिर्ची ले लेनी है, एकदम ताज़ी फ्रेश है, और इसको आपने चॉप कर लेना है। दोस्तों ये रेसिपी इतनी ज़्यादा दमदार है कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो आप याद रखेंगे कि सच में डिलीशियस फूड भी आज कुछ डिलीशियस खाने को मिला। तो इस सारी की सारी लाल मिर्ची को हमने चॉप कर दिया और वहीं अब हमें लहसुन को पील करना होगा।
लहसुन को पील करने के लिए हमने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगाया है ताकि इजीली पील ऑफ हो जाए ये लहसुन। और अब फटाफट से लहसुन की 4 से 5 मोटी कलियां इस ज़बरदस्त रेसिपी के लिए निकाल लेते हैं। लहसुन भी दोस्तों एकदम फ्रेश लिया है, तभी जो इस रेसिपी की फ्रेशनेस है वो इतनी ज़बरदस्त, इतनी बढ़िया, ऑथेंटिक, एकदम विलेज स्टाइल आपको मिलने वाली है कि आप खा के कहेंगे भाई वाह, आज तो सच में ये लाल मिर्ची का स्वाद आ गया। तो हमने लहसुन की लगभग 4 से 5 कलियां छील ली हैं। अब हमने लेना है मिक्सर का एक जार जिसमें हम बहुत ही बढ़िया से अपनी ये लाल मिर्ची जो हमने चॉप करी हुई रखी है वो डाल लेते हैं, और साथ ही में इसके बाद जो हमने लहसुन अभी छील के रखा है वो भी 4-5 कलियां इसमें डाल दी हैं। अगर आपका लहसुन पतले वाला हो तो आप कलियों को 10 से 12 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें अदरक को धो के फटाफट से अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा डाल लेना होगा। अदरक भी ध्यान रखें एकदम ताज़ी हो तो उतना ही बढ़िया मज़ा आएगा इस रेसिपी का। तो एकदम ताज़ी अदरक को भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। साथ ही में दोस्तों हमने एक कैरी जिसे हम अम्बी भी कहते हैं, आमी भी कहते हैं, उसे डाल लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन इस रेसिपी की खटास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू से भी काम चला सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर को या चाट मसाला को ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसमें थोड़ी सी कैरी ऐड कर ली, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें कैरी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा खटास पसंद है तो आप ज़्यादा कैरी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमने कच्ची आमी यानी कि कैरी को ऐड करा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डालेंगे हम इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, और साथ ही में दोस्तों हम इसमें आप चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं। नींबू से भी अच्छी खटास आती है इसलिए मैंने इसमें नींबू ऐड करा है। मुझे खट्टा थोड़ा ज़्यादा पसंद है इस रेसिपी में। तो चलिए इसे फटाफट से अब हम पीस लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट, मज़ेदार ये लाल मिर्ची की ऐसी रेसिपी बनके तैयार होगी जिसके आप हो जाएंगे दीवाने। तो चलिए ये हमने अच्छे से पीस ली है फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। भाई वाह, खुशबू और रंग दोनों ही लाजवाब हैं। तो अब हमने गैस पे एक पैन लेना है और इसमें ऐड करना है थोड़ा ऑयल। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया लाल मिर्ची की ये ज़बरदस्त चटनी वाली रेसिपी तैयार हो रही है। इसमें हमने डाली थोड़ी राई और साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से 4 से 5 कड़ी पत्ता, आप चाहें तो पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें डाल लेना होगा जो आपने ग्राइंड करी थी चटनी, उसको हल्का सा इसका छौंक आने दें, और उसके बाद ये अपनी लाल चटनी जो आपने तैयार करी थी अभी मिक्सी में पीस के उसे डाल लीजिए। इतनी ज़बरदस्त बनेगी दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा, और रोटी के साथ आप जब भी इसे खाएंगे आप 2 की बजाय 3 रोटी खा जाएंगे और कहेंगे भाई आज तो खाने का स्वाद ही एक्स्ट्रा आ गया। ये खाने में स्वाद का कैटलिस्ट का काम करेगा। तो देखिए इसको अच्छे से आपने भून लेना है, लगभग इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। ध्यान रखें ये चिपके ना, इसलिए आपको अच्छी क्वांटिटी में ऑयल डालना होगा, और बस इसको भूनने के बाद गैस को बंद कर लीजिए। फिर बताते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया ये बनके तैयार होगी। जब तक ये भुन रही है दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा इसका मतलब आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमारी ये मेहनत सारे लोगों तक पहुँच सके और वो भी इतनी बढ़िया रेसिपी को बना सके। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे पेज डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार हुई है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं एक छोटी कटोरी में और इसको अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार है दोस्तों। मैं चलता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर शेयर और पेज को ज़रूर फॉलो कर लें।